और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट मुझे और आपको वैल्यूएबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देख लिया जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं, क्योंकि ध्रुव राठी का न्यू वीडियो आ चुका है जिसके अंदर उन्होंने एक बड़े चीज पर रिएक्शन दिया। जैसे कि आपसे उन्होंने बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बीच में बड़े बड़े लफड़े हुए थे, जैसे कि रजत दलाल वर्सेज राजवीर, मेस्टेन वर्सेज इलविश यादव और उसी के साथ मुनर फारूकी वर्सेज UK07। तो ऐसे में उन्होंने इस पर बात करते हुए क्या बोला, मैं आपको सबसे पहले छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जहां पर उन्होंने अपनी 10 साल की जर्नी का एक वीडियो बनाया जहां पे वो 0 से 17 मिलियन तक के उन्होंने सफर बताया। लेकिन उसके अंदर क्या बोलते हैं नजर आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए। वैल्यूएबल ना हो लेकिन किसी और के लिए वो चीज वैल्यूएबल हो। कंट्रोवर्सीज, माइंडलेस एंटरटेनमेंट, ड्रामा, गॉसिप, बहुत से लोग एडमिट नहीं करेंगे लेकिन लोग देखते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिक वैल्यू यहां पर दी जा रही है। और जैसा मैंने कहा, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट मुझे और आपको वैल्यूएबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, और चाहे उसे वो देखना पसंद ना भी हो, फिर भी माइंडलेस एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप तो जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख लिया और जहां पर आपसे पता चल गया कि ध्रुव राठी ने किस तरह से ये सारी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या बोला है, मतलब ध्रुव राठी कहने का मतलब था अगर आपके अंदर कुछ यूनिक चीज है, अगर आप वैल्यू दे सकते हो तो आपकी लोग झगड़े भी देख सकते हैं, आपका कुछ भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, मतलब डायरेक्टली कहने का उनका मतलब था। तो इसी पर आपका क्या बोलना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि ध्रुव राठी ने कंट्रोवर्सी के बारे में क्या बोला। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।